दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं हम ऑन साइट से। जैसे कि आप ड्राइंग्स तो बहुत बार देख लेते हैं, तो वो एक्चुअल में उसका सरिया दिखता कैसा है किसी भी ड्राइंग का, तो आज हम पीएससी गर्डर का लेकर आए हैं। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट गर्डर जो होते हैं उसका हम ड्राइंग्स के साथ आपको चेक कराने वाले हैं कि वो हमारा एक्चुअल में दिखता कैसे है, तो वही हम साइट से आज आपको ये दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से आप पहले आप सभी से एक प्यारा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे कुछ हमारा ड्राइंग है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं ड्राइंग में। तो दोस्तों ये कुछ हमारा पीएससी गर्डर का आप देख पा रहे हैं, ये हमारा प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट गर्डर है, तो उसका ये आप देख पा रहे हैं एलिवेशन, और ये हमारे सेक्शंस काट के हमको दिखाए हुए हैं जो जो उसकी शेप है। तो कुछ ऐसा ही हम प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाले हैं साइट पे। दोस्तों कुछ इस तरीके से इसकी स्टील डिटेलिंग की गई है, जो कि ज़्यादा काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लगती है जब हम फर्स्ट टाइम ड्राइंग्स देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की, तो वो हमको समझ नहीं आता कैसे होता, तो हम वही इजीनेस आपका करने वाले हैं। ये सारी शेप्स यहाँ पर दी हुई हैं, इन शेप को कैसे टाई किया गया वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे A1 और A2 जो हमारा स्टील है जो दिया हुआ है। A1 टू लेग स्ट्रिप है और दो हमारा A2 है वो हमारा टू लेग स्ट्रिप है, इनको हम देखने वाले हैं, और प्लस A3 ये हमारे तीनों जो रिंग्स हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम A1 A2 A3 की इसमें शेप देख लेते हैं कौन सी दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर इन्हें A1 मेंशन किया हुआ है जो कि हमारे सेंटर पॉइंट में आता है, जो कि हमारा सेंटर वेव होती है, सेंटर में हमारा A1 है और वहीं हमारा A2 है, ठीक है ना। जब हमारा सेकंड जो सेक्शन काट के दिखाया है उन्हें सेक्शन CC और सेक्शन AA में आपको A3 यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्हें एक और दो रिंग दिखाए हुए हैं। A3 में आपको दिख जाएगा जो कि वेयरिंग कर रहा है, वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्शन A यहाँ पे काटा है, ठीक है। तो और सेक्शन CC और सेक्शन D यहाँ पे दिए हुए हैं, तो A2 और A3 हम चेक करा देते हैं आपको। देखिए जो हमारी ये सेंटर में रिंग दी हुई है, ये वाली जो रिंग हमारी जा रही है बॉटम तक, ये यहाँ से ऐसे ऊपर तक रिंग गई है, ये हमारी A1 है, ठीक है ना। यहीं अगर हम मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो हमारा सेक्शन पॉइंट आता है आपका जो मेन पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो वो हम आपको अगर A2 की बात करता हूँ तो वो सेक्शन जो है, और जो दोस्तों जस्ट हमारे टेपर पोर्शन के बाद होता है यहाँ पे हमारा A2 है, और सेंटर में हमारा जो रिंग्स दिए हुए हैं ये जो मेन रिंग है ये हमारा जो है वो हमारा A1 है, ठीक है ना। A2 A1 हो गया। और मैं बात करता हूँ A3 पे, तो A3 पे जो आता है वो हमारा कुछ इस शेप में आएगा, जो ये हमारा रिंग है दोस्तों, जो हमको ये रिंग दिया हुआ है आउटर वाला, ये हमारा A3 के आउटर रिंग है, और सेंटर वाला A3 का हमारा इनर रिंग है। जैसे कि यहाँ पे दो रिंग ने दिखाया हुआ था, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ जो दो रिंग्स दिए हुए हैं A3 पे। वहीं अगर दोस्तों C1 और B1 की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो आप देखेंगे तो ये इस जगह पे यहाँ पे C1 सरिया दिया हुआ है, और आपका जो है वो B1 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये हमारा जो ये बाइंडर्स हैं ऊपर के, ये हमारे B1 में सरिया ये वाला दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप में दिए हुए हैं ये हमारे B1 है, और जो हमारा ये टेपर दिया हुआ है ये वाला, जो चार सरिया ये दिए हुए हैं ये हमारा C1 है। तो कुछ इस तरीके का वो सरिया आपको दिखेगा, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से आपको दिखा देता हूँ तो कुछ इस शेप में, जो ऊपर में मैश है, जो ये मैश है हमारा, ये हमारा है B1 पूरा जो मैश जा रहा है, और ये जो टेपर पोर्शन में है ये हमारा है C1, ओके। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बात करें D1 D2 D3, ठीक है ना। ये जो है हमारा जो ये पोर्शन है ये इस तरीके का जो शेप बना हुआ है ये, ठीक है ना, ये इस तरीके का जो ये शेप है जो आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो हमारा D1 है, ठीक है ना, ये हमारा ये जो जिसमें हुक लगा हुआ है ये ऊपर को ये वाला ऐसे कुछ इस तरीके, ये हुक जो है ऊपर में, ये हमारा D1 है, ये D2 है, ये D3, ये शेप सेम रहनी है, ये बस अलग अलग सेक्शंस में दिया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो हमारा सरिया है वो ये जो सरिया आप देख पा रहे हैं ये यहाँ से ऐसे गया है अंदर तक, और इस तरीके से शेप में रिंग दिख जाएगा। वहीं अगर E1 E2 E3 की बात करते हैं, तो E1 E2 E3 ये हमारा जो ये हॉन्च सरिया होता है ये ऐसे गया है, फिर इस शेप में जो नीचे L भी दिया हुआ है जिसमें ये हमारा E1 है, एक सेक्शन में हमारा
E2 दिखाई बताएगा, E2 है जो कि हमारे ये स्लैब में भी जाता है ऊपर, जो हमारी डेक स्लैब होती है ब्रिज के उस तक में जाता है, ये अपर में निकला हुआ होता है। और E3, E1, E2 तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको शुरू से। तो कहाँ है वो, ये जो सरिया है, जो ये आप सरिया देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला सरिया जो आया ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो शेप बनी हुई है ये वाला, ये सरिया हमारा E1, E2, E3 होगा तीनों सेक्शंस में, जो हमने सेक्शन काट के दिखाए हुए हैं उसने अलग अलग, तो उसमें ये इस शेप में होता है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करता हूँ G1, H1, I1, देखिए G1 क्या हुआ, दिया हुआ यहाँ पे, अगर मैं जो बॉटम में जो ये बाइंडर्स दिए हुए हैं ये हमारे G1 है, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपका H1 का, ठीक है ना दोस्तों, तो जो हमारा H1 होगा, जो ये H1 है ये हमारा लिखा हुआ है बॉटम बोथ आउटर फेस पे, जो बोथ आउटर फेसेस पे ये जो फेसेस हैं, ये जो दिए बाउंडर दिया हुआ आउटर फेसेस पे, ये हमारा H1 है, और I1 जो है वो हमारा बोथ इनर फेसेस में, जो इनर फेसेस में ये बाइंडर दिया हुआ वो है। अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ, तो ड्राइंग्स में ड्राइंग में देख चुके हैं आप, अब मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ ऑन साइड पे। देखिए जो ये नीचे बाइंडर्स लगे हुए हैं ये हमारा है G1, ठीक है दोस्तों, ये हमारे G1 है। और अगर मैं बात करता हूँ ये जो सरिया गया ये हमारा है H1, जो बाहर के फेसेस पे आप ये बाइंडर्स देख रहे हैं ये हमारा G1 है। और वहीं मैं इनर फेस में बात करता हूँ, जो ये सरिया निकला हुआ है बाहर को हमारा, ये जो सरिया है इनर फेस में जो हमारे बाइंडर्स हैं ये हमारा है I1। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो वहीं अगर मैं J1 की बात करता हूँ और J2 की और J3 की बात करता हूँ, जैसे कि हमारा ऊपर में हंच वाला ये इस तरीके से आपने देखा था, जो ऊपर स्लैब में जा रहा है सरिया आपका, ठीक है ना, ये जो सरिया था तो उसी शेप में जो ये सरिया है बॉटम में जो डलता है हमारा हंच का, ये हमारा J1, J2 और J3 होगा, ठीक है ना। अब ये क्या, ये सेक्शंस के हिसाब से अलग अलग काट कर देता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तीनों काट कर देता है, तो उसमें अलग अलग नाम डिनोट कर देता है। बट आपको समझने के लिए एक शेप भी अगर आप समझ लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको अगर J1 दिखा देता हूँ, ठीक है ना, J1, J2, J3 तीनों ऐसे ही शेप होंगी, तो मैं ऐसे आगे की तरफ मैं आता हूँ, तो ये जो सरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो हंच का सरिया, ये आप टेपर पोर्शन में जो सरिया देख पा रहे हैं, ये वाला जो सरिया दिख रहा है ये आपका है J1। ये अंदर जाता है, तो अंदर में आपको मैं पीछे से अगर दिखाता हूँ इसको, शायद आपको दिख जाए, कोशिश करेंगे, देखिए ये आपको आगे जाएंगे जब ये सरिया आपको ऐसे क्रॉस करके जो दिख रहा है वो वही सरिया है, ये टेपर में आया है, ठीक है ना, फिर वो टेपर में ऐसे आके नीचे आके घूम के जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा होता कैसे है। तो नेक्स्ट स्टील की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो K1, K2, देखिए K1 जो है ये हमारा जो हंच दिया हुआ इसके जो ये फेसिस पे है, ये फेसिस वाला जो सरिया है वो K1 है, और यहाँ पे आपको K1A मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सेक्शंस के हिसाब से, तो मैं आइए ये दिखा देते हैं आपको, तो ये जो सरिया है आपका 1, 2, 3, 4, ये जो सरिया लगे हुए हैं चार सरिया आपके फेसिस पे, ये आपका K1 है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे सरिया हम PSC गर्डर्स में देते हैं। देखिए सारा सरिया जो हमारा 12 और 10 mm का है, इसमें जो PSC गर्डर्स में जो सरिया का डाया होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये क्या होता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होती है, इसमें स्ट्रेसिंग की जाती है केबल्स के द्वारा, वो पाइप के द्वारा, वो कैसे की जाती है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, कैसे पाइप डलते हैं, कैसे स्ट्रेसिंग की जाती है, और शॉर्ट वीडियोज़ में हम वो दिखाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर रेगुलर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।